दोस्तों कैसे हैं आप। पुनीत ठक्कर का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों 14 फरवरी यानी कि वैलेंटाइंस डे, ये दिन है प्यार का, इजहार का, प्यार के इकरार का। वैसे तो प्यार के लिए कोई एक दिन नहीं हो सकता, लेकिन हाँ ये कह सकते हैं कि वैलेंटाइंस डे प्यार करने वालों के लिए एक खास दिन है। तो आज इस प्यार के खास दिन के मौके पर मैं एक प्रेम पत्र आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। आशा करता हूं कि आपको यह पसंद आएगा। प्रिय, प्यार क्या है? प्यार शाश्वत सत्य है, अनुभूति है, रिश्ता है, जीवन का पर्याय है। प्यार के बिना जीवन अपूर्ण है। खुद के अंदर का खालीपन शायद ऐसे ना भरे, लेकिन प्यार हर खालीपन को मीठी याद बना देता है। आज प्यार के दिन पे तेरे नाम एक खत लिखना है और नहीं भी लिखना है। सब कुछ कहना है और कुछ भी नहीं कहना है। सब बातें कभी कोई कह भी नहीं सकता। भावनाओं की बात कोरे कागज पर लिखना संभव है? इसीलिए खत लिखने की शाश्वत प्यास होते हुए भी टाल देता हूं। लेकिन ये बात टालने जैसी भी नहीं है। सूरज की किरणें सागर के जल पे अपनी भावनाएं अंकित करने के लिए ढेरों कोशिशें करती हैं, किंतु फिर थक कर रात के अंधेरे में समझ आती है। लेकिन तेरे दिल की किरणों ने मेरे दिल पे अपने निशान अंकित कर दिए हैं। कुछ सवालों के जवाब शायद तुम ही दे पाओगी। तुम्हारे पास कोई जादू है? किसी को निर्भर बनाने की कला है? क्यों मेरे आंख और कान तुझे मिलने के लिए इतने ज्यादा व्याकुल बने हुए हैं? मैं तुम्हें एक ही बात कह रहा हूं, आओ यहां आओ। हवा की तीर की गति से आओ। इस सागर में मेरी नाव डूब रही है। यह रात का अंधेरा अब नहीं सहा जाता। मेरे ये सुर कब तक तेरे शब्दों के बिना अकेले गाते फिरेंगे? गीत का गला घोटना नहीं चाहता मैं। मुझे आजादी से गाना है, गीत तेरे प्यार के रेशमी बंधन का। हाथ में तेरा हाथ होना चाहिए, जीवन में तेरा साथ होना चाहिए। आओ हम शमशान में जाकर मुस्कान और प्यार की आग लगा के आंसुओं का अंतिम संस्कार करें। मैं इस खत के उत्तर का इंतजार नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा दिल इंतजार कर रहा है तुम्हारे आगमन का। लेकिन तुम्हारे पैरों की आहट